अब मैं किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। येट अगेन हमारी बॉलिंग चले, गलत डिसीजन हो गया, इसको ठीक कर रहा है हमने, सारी की सारी शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी है। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आगे बैटिंग करने आए, वो मैं आगे बात करता हूं, लेकिन टॉस वॉज वेरी क्रूशल टू विन इट, और उस पे पाकिस्तान कामयाब हो सकता था क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है, लेकिन इनको समझाए कौन, समझ तो इनको आती नहीं है। ओ भाई पूरी हिस्ट्री उठा गया आपने देख लिया, ब्रेनलेस कैप्टनसी, और मैं चाहता था कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं इमरान खान डाल दूं, लेकिन इट्स टू लेट फॉर हिम। और देखो ये चीजें करने तब अच्छी लगती हैं जब आप 6-7। शोएब अख्तर का मुकम्मल रिएक्शन क्लिप आपको दिखाते हैं, इससे पहले आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर कमेंट कर दें, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन जैसा कि ये पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के खिलाफ ग्राउंड में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई, तो शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम की बैटिंग और बॉलिंग लाइन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर इसी टीम में 2-3 तब्दीलियां कर ली जाती, जो प्लेयर्स मैच खेलने के काबिल हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं, अगर वो इस मैच में होते तो शायद हमारा हशर इतना बुरा ना होता। और अफगानिस्तान जैसी एक कमजोर टीम ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई बहुत मुश्किल कर दी है।